हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 7 डे 8 में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो पूरी तरह से गोल सेटिंग पर है। ऑथर ब्रेन ट्रेसी अपने बुक द गोल्स में लिखते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं तो गोल सेट करें। हम अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, बहुत से लोग इसमें भी कन्फ्यूज्ड हैं कि उन्हें चाहिए लाइफ में क्या, खुशी चाहिए। भाई खुशी किस का कौन सा क्राइटेरिया है वो स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं है। बस खुशी चाहिए, पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए, किस रास्ते से चाहिए, कैसे चाहिए, क्या बनकर चाहिए। जब तक आप उसे स्पेसिफिक वे में एक रिटेन गोल सेट नहीं करेंगे तब तक आप भटकते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि आखिर आपको चाहिए क्या। और रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों ने अपने रिटेन गोल को लिखना शुरू कर दिया उनके ग्रोथ की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एंड मैंने अपने लाइफ में भी बहुत इस बात को फील किया है कि जब जब मैंने अपने लाइफ में एक स्पेसिफिक गोल सेट कर लिया कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद जैसे ही आप गोल सेट कर लेते हैं आपका एनर्जी लेवल ही कुछ और का हो जाता है। सो ये गोल्स आप डिफरेंट एरियाज में भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की विश होती है कि मैं मुझे अच्छी फिगर चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए। तो ये भी आप गोल सेट करें कि 2024 के लास्ट तक मेरी हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसमें और जैसे ही ये गोल आप सेट करेंगे उसके रास्ते आपका जो RAS है यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम वो आपको रास्ता बताने लगेगा। जब तक आप उसे गोल नहीं बताएंगे तब तक वो एक्शंस लेने में भी प्रोक्रास्टिनेट करने लगेगा। सो हैप्पीनेस का राज है गोल सेटिंग। और कुछ लोग डिप्रेशन के कंप्लेन करते हैं, लो एनर्जी का कंप्लेन करते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि एनर्जी पर वीडियो बनाइए। एनर्जी को अपलिफ्ट करने का सबसे अच्छा रास्ता है अपनी लाइफ में एक गोल सेट करें। एंड ये गोल आपको पर डे का होना चाहिए, पर वीक का होना चाहिए, पर मंथ का होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स पर ईयर का, 5 साल का, 10 साल का भी होना चाहिए। ये बात ठीक है कि 100 साल का समान है पल की खबर नहीं, पर यह भी सही है कि हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना है। अब बात आती है कि मनी से रिलेटेड गोल कैसे सेट करें, जो कि बहुत स्पेसिफिक रहेगा। और ये जितना स्पेसिफिक रहेगा इसमें जितना समय आप देंगे इसे जितना ब्यूटिफाई करके गोल्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएंगे, अपने हायर इंटेलिजेंस तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, वो चीज़ें अचीव करने की संभावना उतनी ही एक्यूरेट हो जाती है। सो जो गोल सेट करने का तरीका जो बड़े बड़े लोग करते हैं उसमें आपको चार्ट पेपर लेना है, यानी कि येलो कलर के पेपर को आप सेलेक्ट करें, क्योंकि येलो कलर आपको एक ब्राइट एक अट्रैक्शन देता है यानी फोकस्ड देता है। अब येलो कलर के चार्ट पेपर में आप एक सर्कल बनाएं और उसमें एक एकदम स्पेसिफिक विद डेट लिखें पूरे इंथ्यूसियाज्म के साथ। और जब आप गोल बना रहे हैं तो उससे पहले ये नहीं कि आपने पेपर निकाला और लिखना शुरू कर दिया, उसके पहले आप अपने आप को पूरी तरह से फोकस्ड करें, एक मेडिटेटिव मुद्रा में भी जाएं ताकि आप पूरी तरह से अलाइन हो सके उस गोल को, उस गोल में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज क्लैरिटी इज पावर। बिल्कुल क्लियर गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए एंड उसके 3 शीट्स बनाएं। 3 शीट्स क्यों? एक शीट्स हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए, एक शीट हायर इंटेलिजेंस के लिए और एक शीट पूरे ब्रह्मांड तक मैसेज पहुंचाने के लिए। एक शीट में आप जो भी इस मैसेज लिखते हैं, हुर्रे, अमेजिंग, इट्स वंडरफुल, आई एम अर्निंग दिस एंड दिस टिल डेट 2024 30 दिसंबर, और जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। तो मैं जो करती हूँ उसे स्क्रैप बुक में लिखती हूँ, क्योंकि गोल को जब मैं दूसरे के सामने, मेरा घर है, बहुत से लोगों की नज़र पड़ती है तो बहुत तरह की बातें लोग करते हैं, तो मैं एक स्क्रैप बुक में ही उसे अपने गोल्स को लिख के रख देती हूँ। एंड आपको उसे बार बार देखना है, कम से कम सोने से पहले एंड उठने के जस्ट बाद, क्योंकि जितनी बार आपकी नज़र उस पर पड़ेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड को उतना मैसेज जाएगा, क्योंकि पर्पस है अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाना, फीलिंग्स क्रिएट करना
एक पेपर को आप किसी होली प्लेस में रख दें, किसी होली बुक में या पूजा घर में या फिर जहाँ पर आप मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी आपका होली प्लेस है वहाँ तक रख दें। पर्पस है हायर इंटेलिजेंस को अपना मैसेज, अपनी विश, अपने गोल को बताना कि मुझे ये चाहिए। अब एक पेपर जो आप चाहे तो अपने सामने रख दें, अपने आप उसे गोल सेट करके चिपका भी सकते हैं, सामने चिपकाएं, अगर आपको कोई और उसमें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आपका अपना घर है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सामने रखिए, लेकिन सामने ऐसी जगह ना रखें, कुछ लेडीज ससुराल में होती हैं जहां लोग और क्रिटिसाइज करते हैं या कमेंट करेंगे, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ऑफ कोर्स इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों किसी को नेगेटिव बात को अपने तक पहुँचाना, तो मैं उसे एक बुक में ही रखती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, उसमें डिफरेंट तरीके से आप जितना चाहें उसे सजा दें, जितना चाहें उसे डेकोरेट कर दें, जितनी फीलिंग्स उसमें झोंक दें, जितनी बातें आप उसमें डाल दें, जो आप ब्रह्मांड से बोल रहे हैं, जो आप यूनिवर्स से बोल रहे हैं, जो आप अपने आप से बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें पूरी फीलिंग्स के साथ उसमें डाल दें। एंड थर्ड पेपर को बनाना है, एंड ऑफकोर्स ये काम अब तक मैंने नहीं किया, लेकिन अब ज़रूर करूँगी, जब मैंने ये वीडियो देखी तो अब मैं ये काम ज़रूर करूंगी कि थर्ड पेपर को लिख कर आप उसे जला दें। पर्पस है कि हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है, तो इन पांचों तत्वों तक अपना मैसेज पहुंचाना, एंड ऑफ कोर्स जल, हवा, अग्नि, पानी, जो पांच तत्व हैं हमारे, उन पांचों तत्वों तक अपना मैसेज पहुंचाना, एंड अब उसे जला दें, आप उसे ग्लास में घोल दें, एंड घोल के उसके कुछ पार्ट को आप किसी चाहे आपका गमला हो या किसी कोई नदी हो वहाँ भी आप डाल सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगी कि आप पी भी सकते हैं, पी जाइए, क्योंकि हम जब कॉलेज में एग्ज़ाम देते थे तो हम कहते थे कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है, उसे तो घोल के पी जाना है, एंड ऑफ कोर्स इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर बर्न होकर के ये कार्बन बन जाएगा, एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिंस, सब चीज़ का पार्ट जो है कॉम्पोनेंट कार्बन है। सो ये कार्बन जब आपके शरीर के एक एक सेल्स तक पहुंच जाएगा, तो उसकी मेमोरी तक वो गोल की मेमोरी बन जाएगा, एक एक सेल में वो पहुंच जाएगा। किसी मूवी में आपने देखा होगा कि वो रति अग्निहोत्री थी, वो उनको उनकी माँ ने उनके प्रेमी के लिए कुछ नेगेटिव बातें बोली, तो वो क्या करते हैं कि उसकी लेटर को वो जला कर कागज़ में घोल कर पी जाती हैं। तो घोल कर पी जाने का पर्पस, हम जब पढ़ते थे तो यही कहते थे कि इस चैप्टर को घोल के पी जाना है। सो अपने गोल को आपको घोल के पी जाना है, एंड ऑफ कोर्स देखते रहना है, क्योंकि सिर्फ आप गोल लिख कर भूल जाएंगे और उसे लिख करके फिर उसे बिल्कुल छोड़ देंगे तो इट विल नॉट वर्क, आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो इस गोल को आप पूरी तरह से देखना है सुबह और शाम, जब भी मौका मिले उसे देखें, उसे विजुअलाइज करें। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि गोल कार्ड को अपने पर्स में भी रखते हैं ताकि जब नज़र पड़े आपने वो कौन से, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ब्रूसली, वो अपने गोल को अब लिख कर अपनी जेब में रखते थे ताकि जितनी बार जेब में हाथ जाए उस गोल को वो टच कर सकें, फील कर सकें, आपके माइंड में ये मैसेज जा सके। सो उस गोल को आपको देखना है, जितनी बार देखना है उतनी बार वो आपके माइंड को हिट करेगा। आप तीन से ज़्यादा भी पेपर बना सकते हैं, उसे ड्रॉअर के अंदर रख दें और जो आपका कबर्ड होता है उस पर चिपका दें, बाथरूम में चिपका दें। किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो में मैंने देखा था कि वो अपने गोल को 16 पेपर बना करके जितनी 16 जगहें हैं वहाँ पर उन्होंने उस पेपर को रखा था कि ताकि ड्रॉअर देखें तो ड्रॉअर में भी नज़र पड़े कि अरे ये मेरा गोल है। अगर आपने बाथरूम खोला, आईने के सामने चिपका हुआ होना चाहिए, ये मेरा गोल है। कबर्ड आपने खोला और सामने दिखना चाहिए डोर में कि ये मेरा गोल है। ये मैंने भी एक बार किया था, एंड ऑफ कोर्स इट वर्क्स। सो जितने अपने गोल को आप स्पेसिफाई करेंगे, फोकस्ड रखेंगे, उसमें अपनी एनर्जी देंगे, उसके पूरा होने की जल्दी से जल्दी उतनी ही संभावना बन जाती है।
सो ये गोल सेटिंग का बहुत अच्छा तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने गोल को लिखकर एनवेलप में भी रखते हैं, और एनवेलप में रख दिया एंड उसमें डेट सेट कर दिया, और अपने माइंड में भी वो चीज़ें फिर हिट करते रहती हैं। ये भी एक गोल सेट करने का तरीका है। पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वो चीज़ें याद दिलाना, बार बार वो चीज़ें हिट करना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम, अगर हमारे सर पे कोई कोई कोच या कोई मेंटर नहीं है, तो हम अपने गोल में कभी ना कभी लूज हो जाते हैं। सो आप जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप अपना मेंटर बना लेते हैं, अपना कोच बना लेते हैं, तब वो चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे उसी तरह से करवा के रहेगा जैसे कि एक मेंटर, एक कोच अपने गोल्स को, अपने स्टूडेंट के गोल को अचीव करवाने के लिए ऊपर से प्रेशर डालता है। तो पर्पस यही है कि अपने गोल को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितनी गहराई से आप रजिस्टर कर देंगे, उतनी गहराई से उसके पूरा होने की संभावना है। अब ये गोल्स हम सेट करना, अब पहले जब मुझे ये सारी बातें मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती थी, तब मुझे लिखने में थोड़ा सा बहुत मैं लिखती नहीं थी, लेकिन जब से मैंने लिखना शुरू किया तब मैंने देखा कि गोल के पूरा होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड एक गोल जब सामने सेट हो जाता है तब आपकी एनर्जी ही कुछ और हो जाती है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने एक कुछ दिन पहले मेरा वेट बढ़ गया था, तो मैंने गोल सेट किया कि मेरा 58 केजी मेरा वेट था और मुझे 54 पे लाना था। मैंने एक जिम ट्रेनर को हायर किया एंड उसके बाद और उसे एडवांस पेमेंट कर दिया। अब तो चूंकि मैं कमिटेड हो गई, तो मैं 5:15 में उठ जाती थी हर दिन सिर्फ ये सोचकर कि मुझे जाना है, एंड एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सर पे कोई है, वो पूछने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी है। हर दिन मैं जाती थी और जब वो ट्रेनर मुझे प्रैक्टिस कराता था, तब वो कभी कभी हम थक जाते हैं, तब भी वो मुझसे सारे रेपिटेशन, सारे गोल्स को वो पूरा करवा के रहता था। सो अगर आपको कहीं प्रोक्रेस्टिनेशन लगता है, सेट अ गोल, सेट अ मेंटर, सेट अ कोच, ताकि वो आपके सर पे सवार रहे आपके गोल को अचीव करवाने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, सेट अ गोल। अगर सिंपली यू आर सफरिंग इन रिलेशनशिप, सेट अ गोल कि मुझे अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है। अब ये अच्छी कैसे होंगी, इसके लिए मुझे क्या क्या करना है, कि अगर सामने वाला मुझे कैसे भी बोले, मुझे अच्छे से ही बात करनी है, मुझे अपनी वाइब्रेशन ख़राब नहीं करनी। ये सारी चीज़ें जब आप सेट कर लेंगे, आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिलेशन को भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सिंपली कि मुझे बहुत अच्छी हेल्थ अचीव करनी है 2024 के लास्ट तक, तो आप एक गोल सेट करिए कि 2024 के लास्ट तक मैं इतना हेल्दी और इतना फिट हो जाऊंगी कि अपने आप को मेडिसिन फ्री कर लूंगी या कर लूंगा। और अब आप उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेना शुरू कर दें। सुबह जॉगिंग करें, जिम जाएं, वर्कआउट करें, योगा करें, आप देखेंगे कि जैसे, और हर दिन अपने आप को उस गोल के नज़दीक जाता हुआ देखें। ये गोल आपका पर डे का भी होना चाहिए, आज का भी गोल, एक दिन का भी गोल, एक वीक का भी गोल, एक मंथ का भी गोल, एक ईयर का भी गोल। ये चीज़ें जब आपने अपनी लाइफ में करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग ऐसा ही करते हैं, विश हर किसी की होती है कि मुझे एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, मुझे बीपीएससी करना है, मुझे यूपीएससी करना है, ये विश को गोल में बदलें, आपकी लाइफ बदल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।